जी जय गुरुदेव जय भीम वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सो असी स्टेज तो घूमते घुमाते इतने पहुँचे तो असं देख रहे कि रस्ते सिखा साडे बाबा जी ने अपना जो टेंट लगाया हुआ पूरा इंतजाम किया हुआ। सो असी इन्हां नाल गल करांगे कि ये किस मकसद नाल उरे आए ने। बाबा जी वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दास राजा राज सिंह अरमा खरमा निहंग सिंह जथेबंदी श्रोमणी शहीद बाबा संगत सिंह जी जिन्होंने चमकौर की घड़ी कल की थोड़ा सतगुरों ने दिता अते मौजूदा मुखिया सिंह साहब बाबा चढ़त सिंह जी ते असीं इत्थे जो किसानां दा मोर्चा मजदूरां दा मोर्चा लग्या होया है तकरीबन 40 दिनां दे करीब होण वाला। असीं दूसरे दिन तो ही तकरीबन 29 तरीक दे इत्थे पूरियां अपने दल पंथ दे नाल फौजां दे घोड़ियां दे नाल सिंघां दे नाल नाल ही बुढ़ा दल सिंह साहब बाबा मान सिंह जी वह भी बैठे ने नाल ही खेमा लग्या होया जथेदार बाबा गुरदीप सिंह जी तरना दल सिंह साहब बाबा नारायण सिंह जी तरना दल मड़िया वाले बाबा जी मान सिंह जी बाबा अपने महते चौंकी बाबा तरसेम सिंह जी बाबा गुरसेव सिंह तरना दल वाले ये जथेबंदियां इतने सारिया निहंग सिंह बैठिया। असं इतने शंभू जिहड़ा सिंघां दा बार्डर है पहले सिंघू बार्डर जां कुंडी बार्डर भी कहा जाता पर हुण इतने सिंघां ने डेरे ज मार रखे ने इतने 24 घंटे सिंघां दी आई जा आवाजाई है इहनूं सिंघां दा बार्डर कहा जाण लग पिया। हुण इत्थे एक पासे हिंद सरकार दीआं फौजां ने ते एक पासे असीं खालसा सरकार दीआं फौजां ने हंग सिंह जथेबंदियां बैठियां सी किसानां ते मजदूरां दे हमायत दे विच डट के बैठियां असीं 29 तरीक ते बैठियां। सो तुहानूं की लगदा कि जिहड़ी सरकार है इह अपने जिहड़े बिल हैगे वापस लै लेगी? क्यों नहीं करूगी, क्योंकि इह इकल्ला जिहड़ा अंदोलन आ ना इह पंजाब दा नहीं है इह हरियाणे दा नहीं है ये राजस्थान का नहीं है ये पूरे भारत का अंदोलन बन गया पूरा भारत छड के पूरे ये विश्व का वर्ल्ड का अंदोलन बन गया जन अंदोलन बन गया वर्ल्ड भी ये सारे शमूलत कर एन आई आर वीर भी आ रहे हैं सारिया वर्ल्ड सरकार ने भी इन इस हमायत इस अंदोलन की हमायत करी आ UN ने भी इस सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने भी इन कहा भी ये जो अंदोलन आ प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसान मजदूर ये सही आ क्योंकि ये जो अंदोलन आ ये किसी गलत वास्ते ये तो आपके हक लैन वास्ते हो रहा साढ़े हक ने जोड़े किसान मजदूर के वो सरकार ने खोए ने तीन आर्डिनेंस ने जोड़े बिल धक्के साढ़े सौंप रहे सू चाहिए ही नहीं है फिर असं क्यों उन्होंने मनीए इस करके सू बिल नहीं चाहिए। वो ये अंदोलन है बहुत शांतमई तरीके चल रहा कोई इतने ऐसे गड़बड़ नहीं हुई ऐसी कितने कुत्ते डंडा भी नहीं बजा जिन्हें डिसिप्लिन देखो कोई इतने पुलिस नहीं हैगी कुछ नहीं हैगी सारे लोगों का आपदा किसान मजदूर का अपना यह अंदोलन है बिल्कुल शांतमई ढंग के नाल चल रहा तो सारे इतों जो भी इतों भारत के वासी ने वो इतने निहंग सिंह फौजा भी देख आते हैं पंजाब के लोगों को भी देख आते हैं भी ये किहड़े लोग ने जिन्होंने सरकार सानू ये कदे अतवादी दसदी है कदे सानू खालिस्तानी दसदी है कदे पाकिस्तानी दसदी है। मैं मोदी सरकार को कहना चाहना भी ना तो असं पाकिस्तानी ना असं खालिस्तानी हाँ असं इस देश के भारत के वासी हैं तो असी 85% वाम सेव लोग हाँ तुम 15% साढ़े राज कर रहे हो इतों मूल निवासी इतों के रहने वाले तो सानू तो कद कुछ कहने कद कुछ कहने हूँ तुम दस दो असी भारत के वासी हाँ अभी जे वोट पा के मोदी को सत्ता से उठा सकते हैं वोटों ला के लांभे भी कर सकते हैं ये जोड़े लोग ने ताकत रखते हैं बट सत्ता वोट का लोकतंत्र का राज है इतने तो मैं एक होर गल कहना चाहना मोदी को भी असी तो भारत देश के वासी हाँ तू दस हूँ सानू किहड़े देश के वासी बना वो दस हूँ थोड़ी तुहाड़े ते डिपेंड करता भी तुहानू की कित्थे खड़ाउणा चाहुंदे तुसीं पर असीं इत्थों दे वसिंदियां सी ये जिहड़ा बिल आ उन्ना चिर असीं इत्थों नहीं जाणा शांतमई तरीके दे नाल जिन्ना चिर इह मोदी सरकार वापस नहीं लै लैंदी। जिस तरह की तुसीं जाणदे आ कि जिन्ने भी किसान हैगे ने इस बिल का विरोध कर रहे ने किसान ही नहीं जिन्ने भी मजदूर ने जां पूरा भारत देश इस बिल का विरोध कर रहा है पर इह सरकार क्यों नहीं इस चीज़ नूं मन्नदी हैगी? देखो हुण इहनां दी सरकार दी इह जिहड़ी ना बहु गिणती आ जाने इन्हों जी भाजपा सरकार आ वह बहु गिणती दे 300 वोटों ने साडा पूरी बहुत मत इन्हों की जे कि लटकवी सरकार होंगी हूँ इन्होंने मन जाना सीगा ये मोदी ने जिथे जिथे भी कोई दंगे करवाए गुजरात के उदों भी इन्हें आपकी हिंड पकई फिर इतने शाहीन का बाग का मोर्चा लग्या वह भी इन्हें तोड़िया फिर इन्होंने 370 धारा जम्मू कश्मीर से मुसलमान भाईचारे लाई वह भी इन्होंने खत्म की जिथे जिथे भी इन्हें करे आपका जाने पूरा इन्हें आपका नभाया पूरी ताकत के नाल लोगों को कुचलने कुचलिया गा हुण जदों
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਗਾਵਤ ਦਾ, ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਦਬੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਡੇ ਟਿਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਮੂਹਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਜੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਲੰਕੀ ਆ, ਜੇ ਸੜਦਾ ਕੁੜੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਧ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ।